क्या नाम है भैया आपका? मधुकर बाबराव गांगुर्डे। मधुकर भाई, कहाँ से हैं आप? नासिक रोड से। नासिक रोड से यहाँ ATS सेंधवा कैसे आना हुआ आपका? ये हमारे यहाँ ये गणेश भाई चौधरी करके है जी, वो इधर का काम करता है, सहायता करता है जी, तो इसने बताया जी, और इनके बताने से हम इधर आए। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको? लीवर सोराइसिस था ना, इसके वजह से खान पान हजम नहीं होता था। लीवर सोराइसिस का प्रॉब्लम था आपको? हाँ। कितने समय से? यानी 2011 से। 2011 से लीवर सोराइसिस था। हाँ, हाँ। उसका उसके लिए आप यहाँ ATS आए। हाँ। 2011 से था तकलीफ। हाँ। और कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने? हमने केरल में किया। अच्छा। और इधर का किया, नासिक का किया, लेकिन एलोपैथी का किया। नासिक कौन सा हॉस्पिटल से? होकार्ट हॉस्पिटल करके। अच्छा, तो क्या 2011 से जब आपको तकलीफ था और आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो कुछ फायदा हुआ उसमें आपको? फायदा नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ का किसने आपको बताया? ये ऐसे ही लोग जाते आते रहते हैं ना, हमारे एक मेहमान है वो मकफड़ बात करके आके। अच्छा, थोरात जी। हाँ, उसने बताया। अभी अभी क्या हाल है आपके? अभी ठीक ठाक है। तो यहाँ कितने समय पहले आए थे आप? एक बार आके गए थे। एक बार आए थे पहले? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले भाईजान को दिखाया? हाँ, दिखा। तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम पथ्य जो बोलते हैं वो संभालो। अच्छा। खाना पीना जी, और दवाई ले लो। अच्छा, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अभी क्या हाल है आपके? ठीक हो गया है अभी 6 महीने में। हाँ, 6 महीने। आज रीचेकिंग करवाने आए? हाँ, रीचेकिंग करवाने आए। तो अभी क्या डॉक्टरी रिपोर्ट करवाई क्या वापस आपने? नहीं किया है डॉक्टरी रिपोर्ट। नहीं करवाई? नहीं किया। आपको खुद को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपकी समस्या में कैसा लग रहा है, प्रॉब्लम बीमारी में कैसा लग रहा है? बीमारी तो ठीक हो गई ना। ठीक हो गई बीमारी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत। ओके, थैंक यू।